हैं दोस्तों आप सब, मैं हूं आपका दोस्त विनय मिश्रा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स पे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। और गेट एग्जाम में भी ये सारे कंसेप्ट हैं, तो इसलिए एक बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि ये चीज़ें क्या हैं, थोड़ी थ्योरेटिकल हैं। आप बुक से पढ़ने जाएंगे एक बार में आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, और समझ में नहीं आएगा तो इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं होता, तो ये चीज़ों को पढ़ने का असलियत में मन ही नहीं करता है। तो यहाँ पे मैं आपको जैसे आइसोमॉर्फिज्म हो गया, होमोमॉर्फिज्म हो गया, सब ग्रुप हो गया, लैग्रांजेस थ्योरम हो गया, कोसेट्स वगैरह है, कर्नल है, ठीक है, फील्ड है, इंटीग्रल डोमेन है, रिंग है, ये सब टॉपिक जो है पूरे थ्योरेटिकल टॉपिक है। सिर्फ आइडिया हम लोग को अच्छे से अगर क्लियर हो जाए ना तो फिर हम लोग को पढ़ने में मजा आएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे बिना देरी करके यहाँ पे चालू करता हूँ अपने इस पहले टॉपिक से। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म देखने वाले हैं। तो क्या होता है ये आइसोमॉर्फिज्म, देखिए हम लोग ग्रुप के ऊपर काफी डिस्कशन कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता मेरे को यहाँ पे ग्रुप फिर से आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। ग्रुप और यहाँ पे देखिए इस बार मैं दो ग्रुप को ले रहा हूं। तो आइसोमॉर्फिज्म क्या है हम लोग का, कुछ नहीं, देखिए अगर यहां पे एक ग्रुप है GO, G with respect to कोई बाइनरी ऑपरेशन O है, एक दूसरा ग्रुप है G' जो कि दूसरा बाइनरी ऑपरेशन यहां पे हो सकता है। तो अगर एक मैपिंग मैं लूं, मैपिंग बोलने का मतलब अगर मैं यहां पे एक ग्रुप के एलिमेंट को दूसरे ग्रुप के साथ कनेक्ट करना चाहूं, ये मेरा ग्रुप G है, ये मेरा ग्रुप G' है, मान लीजिए यहां पे कोई एक एलिमेंट X है, तो इसका अगर मेरे को इमेज मिलेगा यहां पे जिसको मैं f(x) बोल सकता हूं, अगर मेरे को यहां पे इमेज मिला, कुल मिला के मैं बोल सकता हूं कि ये मेरा मैप हो गया है, ठीक है। तो अगर एक मैपिंग को मैं ऐसा डिफाइन किया, ये जी का मतलब क्या होता है हम लोग का, डोमेन होता है जी का, ठीक है, और ये G' का मतलब हम लोग का कोडोमेन है। ये सब चीजें आप क्लास 11 12 में जरूर पढ़े होंगे, ये बहुत सिंपल सी बात है। मैपिंग क्या होता है, तो एक ग्रुप के एलिमेंट को दूसरे ग्रुप के साथ अगर हम लोग मैप कर पाए तो उसको हम लोग आइसोमॉर्फिज्म तब बोलेंगे, मतलब मैपिंग हम लोग की एस्टेब्लिश हो गई, उसके बाद हम लोग आइसोमॉर्फिज्म एक कंडीशन है, हम लोग उसको कोई दो ग्रुप को आइसोमॉर्फिक ग्रुप तब बोलेंगे जब वहां पे जो फंक्शन है वो 1-1 हो, ठीक है, वहां पे जो फंक्शन है वो ऑन-2 हो, और साथ ही साथ हमारा जो ये f फंक्शन है वो होमोमॉर्फिज्म हो, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा टर्म है। देखिए मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन करता हूँ f(a) और बाइनरी ऑपरेशन b, तो वो अगर इक्वल आ जाए मेरा f(a) और ये दूसरे ग्रुप का जो ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन है f(a) दूसरे ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन f(b), ठीक है, हर एक एलिमेंट ऑफ ग्रुप g के लिए अगर ये चीज डिफाइन है तो मैं उसको बोल सकता हूँ होमोमॉर्फिक है वो। इसका मतलब एकदम सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ, अगर मेरा एक ग्रुप में बाइनरी ऑपरेशन प्लस है, दूसरा एक ग्रुप में मेरा मान लेते हैं बाइनरी ऑपरेशन वहां पे भी हो सकता है प्लस हो, तो अगर मैं ऐसा अगर डिफाइन कर देता हूँ f(x1+s2)f(x1+f(x2), तो वो मैं क्या बोलूंगा, होमोमॉर्फिज्म को फॉलो कर रहा है। समझ में आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ज्यादा चीजें समझ में आएंगी, बहुत ईजी सा चीज है, ये सब आपने क्लास 11 12 में जरूर पढ़ा होगा। देखिए यहाँ पे एक ग्रुप है जी, एडिटिव ग्रुप है हम लोग का इंटीजर का, मतलब कुछ इस तरीके का ग्रुप है, हम लोग जानते हैं काफी सारे क्वेश्चन लगाए हैं, बिल्कुल ग्रुप होता ही है। और एडिटिव ग्रुप है हम लोग का इवन इंटीजर का, दूसरा जो हम लोग का जो ग्रुप है ये मेरा जी है, और ये मेरा G' जो है एडिटिव ग्रुप है मेरा इंटीजर का, कौन से इंटीजर का, इवन वाले इंटीजर्स का एडिटिव ग्रुप है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग को यहां पे यही चीज शो करना है कि ये क्या है हम लोग का, आइसोमॉर्फिक है कि नहीं है। तो देखिए अगर आपको यहां पे फंक्शन दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से फंक्शन के लिए 1-1, 1-2 प्रूफ कर सकते हो। और क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि आपको वहां पे फंक्शन नहीं दिया हो, तो फंक्शन अगर नहीं दिया है तो वहां पे आपको 1-1, 1-2 प्रूफ भी नहीं करना पड़ेगा, आपको सीधा होमोमॉर्फिक दिखा देना है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1-1 प्रूफ करना बहुत ही चिंटू मिंटू काम है, ठीक है। f इज 1-1 क्या होता है, f(x1) को अगर हम लोग f(x2) के लिए अगर लिख देते हैं और x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता है तो मैं उसको क्या बोलूंगा, 1-1 बोलूंगा। जरूर आप पढ़े होंगे क्लास 12th में अपने फंक्शन रिलेशन में कहीं ना कहीं, ठीक है। f(x1) क्या हो गया हम लोग का, 2x1 इज इक्वल टू 2x2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, इसका मतलब 1-1 होगा, बहुत बढ़िया। ऑन टू कैसे प्रूफ करते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं इनवर्स एलिमेंट फाइंड कर लेता हूं, अगर मेरा इमेज मिल जाता है जी का कोई एक एलिमेंट का, अगर मेरे को इनवर्स अगर मिल गया, मतलब इमेज मिल गया, तो मैं वहां पे उसको ऑन टू प्रूफ कर दूंगा, ठीक है। तो लेट एनी y बिलोंग्स टू G', ठीक है, y मेरा G' को बिलोंग कर रहा है, G' क्या है मेरा, y मतलब क्या होगा हम लोग का, इवन इंटीजर होगा, ठीक है, ये चीज तो हम लोग समझ रहे हैं। तो y इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, f(x) अगर मैं यहां पे लिखा, ठीक है, तो y इज इक्वल टू मेरा 2x होगा, बिल्कुल होगा, यहां पे f(x) के 2x डाला, तो x इज इक्वल टू मैं y/2 निकाला, इसका मतलब तो मेरा इनवर्स भी निकल गया यहां से, ठीक है। f इनवर्स x क्या होगा मेरा, f इनवर्स x हो जाएगा मेरा x/2 होगा ऑब्वियसली, ठीक है।
देखिए ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं भैया, बहुत इजी सा काम है। हम लोग क्या करना है, एक एलिमेंट का अगर हम लोग इमेज ढूंढ लेते हैं दूसरे ग्रुप में, तो हम लोग का वो ऑन टू प्रूफ हो जाएगा। बोलेंगे मतलब साफ साफ शब्दों में अगर मैं बोलूं तो, अगर इनवर्स आप निकाल लेते हो ना, ठीक है, तो वहां पे आप प्रूफ कर दिए कि वो क्या है, ऑन टू है। तो मैं यहाँ पे क्या लिया, एक एलिमेंट लिया वाई जो कि बिलोंग कर रहा है जी डैश को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जी डैश को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वाई क्या होगा हम लोग का, इवन होगा, ऑब्वियसली इवन होगा, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट एलिमेंट एक्स, तो एक एलिमेंट के जो एक्स है जो कि जी में लाए कर रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में उसका इमेज निकालना है अपने को दूसरे वाले ग्रुप में, ठीक है, यही काम हम लोग को करना है। एक्स के रिस्पेक्ट में उसका इमेज निकालना है एफ ऑफ एक्स जो कि इक्वल हो जाए मेरे वाई के, इसका मतलब हम लोग इमेज निकाल रहे हैं। अगर मेरा इमेज निकल जाता है, मतलब इनवर्स अगर मेरा निकल गया ना, तो भैया वो ऑन टू होगा, ठीक है। तो वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, मैं यहां पर से लिख सकता हूं वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यही लाना है मेरे को। तो वाई इज इक्वल टू 2x है, तो x का जब मैं वैल्यू निकाला तो y by 2 आया। अब y by 2 आया, इसका मतलब क्या, जो मेरा x होगा वो ऑब्वियसली मेरा क्या है, फैक्टर है 2 का, डिवाइड हो रहा है 2 के साथ, इसका मतलब इमेज तो भैया बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे y के लिए x का इमेज एग्जिस्ट कर, यहां तक क्या आ गया, x का वैल्यू निकाल लिया। अब x का वैल्यू आप f of x निकाल लो, f of x मेरा क्या है 2x है, ठीक है, x की जगह आपका जो भी आया वही चीज डाल दो। यहां पे क्या है, हम लोग का y by 2 आया है, तो यही चीज मैं यहां पे डाल दिया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका मतलब f of x निकल के आ गया मेरा y, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये निकल के आ गया, इसका मतलब क्या, मेरा ऑन टू है, मेरा इमेज एग्जिस्ट करता है उस एलिमेंट के लिए, इसका मतलब ये क्या है, ऑन टू है। और चाहे तो आप इनवर्स निकालना तो सीखे ही होंगे, ठीक है, इनवर्स कैसे निकालते ये तो आपको बता दिया, ठीक है, इसका मतलब f मेरा ऑन टू है। अब तीसरा हम लोग को बस चेक करना है कि f मेरा होमोमॉर्फिक है कि नहीं। तो कैसे चेक करते हैं भाई, बहुत सिंपल है, f ऑफ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, यही होगा f ऑफ x का वैल्यू, अगर मैं 2x है तो अगर मैं यहां पे क्या कर दूं, x या x1 प्लस x2 डाल दूं, तो ये आ जाएगा मेरा, ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख दिया। तो f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2, मेरा पहला वाला ग्रुप भी जो एडिशन पे था, दूसरा वाला ग्रुप भी एडिशन पे था, तो यहां पे ये चीज को मैं प्रूफ कर दिया, इसका मतलब वो क्या है, होमोमॉर्फिक है, इसका मतलब दोनों ग्रुप यहां पे क्या है, आइसोमॉर्फिक ग्रुप है। समझ में आया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, वही चीज मैं यहां पे लिख दिया हूं, फिर से वही चीज है, ठीक है, ये चीज बता दिया। आगे बढ़ते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, अगर मैं किसी ग्रुप के एलिमेंट को उसी के ग्रुप के एलिमेंट के साथ मैप करूं, इसका मतलब इमेज अगर मैं निकालूं, इसका मतलब एक ग्रुप के एलिमेंट ऑन टू है उसी ग्रुप के अंदर, इसका मतलब वो क्या होगा, ऑटोमॉर्फिक होगा, ठीक है, वो जो ग्रुप है हम लोग का ऑटोमॉर्फिक होगा। तो देख सकते हैं यहां पे बस फर्क कितना है, एफ ऑफ ए ओ बी, यहां पे हम लोग क्या लिखते थे, एक ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन इज इक्वल टू यहां पे दूसरे ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन आता था, यहां पे सेम ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन है, बस इतना ही फर्क है। समझ में आया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कर्नल क्या होता है, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है। देखिए कर्नल एक प्रकार का एक सेट है, ठीक है, अब देखिए ये मेरा एक जी एक ग्रुप है, ये मेरा जी डैश एक दूसरा ग्रुप है, ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेशन ओ और ओ डैश पे डिफाइन है, ये मेरी मैपिंग हो गई है, ठीक है, मैपिंग भी कर दी है, तो यहां पे होमोमॉर्फिक मैपिंग है, ठीक है, ये होमोमॉर्फिज्म को बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग कर्नल जब भी डिफाइन करते हैं ना, तो होमोमॉर्फिज्म के लिए ही डिफाइन करते हैं, होमोमॉर्फिक ग्रुप के लिए डिफाइन करते हैं। तो कर्नल क्या है, कर्नल भैया हमारा एक सेट है, ठीक है, कर्नल एफ को मैं इस तरीके से डिनोट करता हूं, कर ऑफ एफ, ठीक है, इज इक्वल टू, ये सेट है, कौन से ग्रुप का सेट है भैया, जो पहला वाला ग्रुप है ना हम लोग का, उसका सेट है, ठीक है, मतलब जो डोमेन होता है ना यहां पे, ये डोमेन इस वाले ग्रुप का मेरा एक सेट है। कैसा, अगर मैं वहां पे एफ ऑफ एक्स लूं, एफ ऑफ एक्स अगर मैं करता हूं, तो मेरे को अगर आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए जो कि मेरे दूसरे वाले ग्रुप में लाए करे, ये दूसरे वाले ग्रुप का अगर आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, अगर मैं पहले वाले ग्रुप के एलिमेंट का इमेज निकालूं, और वहां पे मेरे को इमेज निकालते ही अगर मेरे को वहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया अगर दूसरे वाले ग्रुप का, तो ऐसे सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, कर्नल बोलेंगे। डेफिनेशन से कभी समझ में नहीं आएगा, अभी मैं आपको एक प्रॉब्लम बताता हूं, अपने आप ही चीजें समझ में आ जाएंगी। दैट इज के ऑफ एफ कंटेन्स ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ जी जिसका इमेज हम लोग को आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे दूसरे ग्रुप का, ठीक है, समझ में नहीं आया, बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको अब समझते हैं क्या मतलब इसका। देखिए यहां पे मेरा एक ग्रुप है, एडिटिव ग्रुप है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप है मेरा जी, ठीक है, यहां पे आई माइनस वन, ये हम लोग का पता है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी वाला ग्रुप है, ठीक है, ये हम लोग का डॉट ऑपरेशन के लिए ग्रुप कहलाता है, ठीक है, ये तो हम तेको पता था। देखिए अब यहां पे ये मेरी मैपिंग है कुछ इस तरीके से, तो जो मेरा कर्नल होगा, ये जो ग्रुप है इसका सेट होगा, ठीक है, ये वाला सेट होगा, वो सारे एलिमेंट का सेट होगा जिसके लिए मैं अगर मैपिंग डिफाइन करूं तो मेरे को इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। तो भैया जी का आप ये बताओ कि मेरे को आइडेंटिटी एलिमेंट पहले है क्या, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट ऑब्वियसली क्योंकि डॉट ऑपरेशन पे, तो भैया
मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है वन, तो मेरे को चाहिए वन, ठीक है। अब मेरे को किससे चाहिए वन, ये वाले ग्रुप से चाहिए वन, तो कैसे निकालेंगे, देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अगर मैं यहां पे निकालता हूं, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई मेरा क्या हो, यहां पे मेरे को फंक्शन जो डिफाइन था वो मेरे को ये फंक्शन दिया था आई का पावर एन, ठीक है, ये चीज समझ में आए, ये चीज मेरे को दिया था। अब देखिए अगर मैं यहां पे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई लिखूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं आई का पावर एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब इसको तोड़ दिया तो कुछ इस तरीके हुआ, ठीक है। अब ये होमोमॉर्फिज्म है, ये तो हम लोग को यहां से समझ में आ रहा है, ये एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूं, इसको एफ ऑफ वाई लिख सकता हूं, प्लस ऑपरेशन अब बदल चुका है मेरा डॉट ऑपरेशन में, ठीक है, इसका मतलब होमोमॉर्फिज्म है, बिल्कुल सही बात। अब इसी के लिए मैं कर्नल डिफाइन करूंगा, तो कर्नल क्या है भैया, मेरा इस ग्रुप का हम लोग का एक सेट है, तो इस ग्रुप का देखिए x x बिलोंगिंग टू i ऐसे एलिमेंट जिसके लिए हम लोग को f ऑफ x का वैल्यू 1 मिल जाए, हम लोग का वो क्या है, कर्नल है। तो देखिए ये आप मुझे बताइए सिंपल सा एक एक लाइन में अगर मैं बोलूं यहां पे कौन-कौन सी वैल्यू ऑफ n के लिए मेरा यहां पे 1 आने वाला है, ये जो वैल्यू है 1 आने वाला है, तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या होगा, 0 के लिए आ सकता है, इंटीजर है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर 2 के लिए आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है, वो तो माइनस 1 आता है, आई स्क्वायर क्या होता है हम लोग का, माइनस 1 होता है, ठीक है। उसके बाद 4 के लिए आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, 1 आ जाएगा, तो हम लोग का 0 हो गया, 4 हो गया, फिर 8 हो गया, ठीक है। अब प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है, तो ये सारा एलिमेंट जो है, ये सारा जो सेट है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कर्नल बोलेंगे, समझ में आया, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ जाते हैं ऐसे बकवास क्वेश्चन, इसको भी मैं यहां पे डिस्कस कर लेता हूं, बहुत सिंपल है। देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई, ऐसा कुछ हम लोग को दिया है, ठीक है, ये हम लोग को ऑटोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है। तो देखिए कुछ नहीं, हम लोग को सबसे पहले 1-1 प्रूफ करना होगा, 1-1 हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं भैया, सिंपल एफ ऑफ ए प्लस आई बी इज इक्वल टू लिख दो एफ ऑफ सी प्लस आई डी, ठीक है। अब ये हम लोग का क्या है, ये है, तो मैं ऐसा लिख दिया ए माइनस आई बी, और इसको मैं क्या लिख दूंगा, सी माइनस आई डी। अब देखिए ए मेरा इक्वल होगा सी के और बी इक्वल होगा मेरा डी के, अगर ऐसा मैं प्रूफ कर दिया इसका मतलब मेरा क्या है, 1-1 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ऑन टू प्रूफ करना है, तो कुछ नहीं, देखिए यहां पे जो अप्रोच होगा क्या होगा, ए प्लस आई बी मेरा बिलोंग कर रहा है जो मेरा ग्रुप है, ठीक है, इसको मैं सी मान लिया, ठीक है, ए माइनस आई बी मेरा बिलोंग करेगा ऑब्वियसली सी को, ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ए माइनस आई बी को मैं यहां पे क्या लिखूंगा, ए माइनस ऑफ आई ऑफ माइनस बी, यही होगा, ठीक है, इज इक्वल टू ए प्लस आई बी हो रहा है, तो ए माइनस आई बी करने से ए प्लस आई बी आ जा रहा है, इसका मतलब ऑब्वियसली ऑन टू होगा, उल्टा करोगे तो वही आ जाएगा, ठीक है, ए प्लस लोगे तो माइनस आएगा, माइनस लोगे तो प्लस आएगा, इसका मतलब एक ग्रुप का हम लोग का जो एलिमेंट है उसका इमेज बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है मेरे दूसरे ग्रुप में, ऑन टू तो है ही भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करते हैं, होमोमॉर्फिज्म में कुछ नहीं, एफ ऑफ यहाँ पे मैं क्या किया, ए प्लस आई बी और सी प्लस आई डी, ठीक है, यहाँ पे ए इंटू बी, एफ ऑफ ए इंटू बी कर रहा हूं, ठीक है, एफ ऑफ ए इंटू बी किया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, कुछ इस तरीके आया, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को यहाँ पे सेपरेट कर दिया। अब देखो एफ ऑफ ये पूरा अंदर में है, एफ ऑफ एक्स प्लस आई वाई को हम लोग कैसे डिफाइन किया है, एक्स माइनस आई वाई से, तो एक्स माइनस आई वाई ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए माइनस आई बी इंटू ए सी माइनस आई डी, ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल। अब ये तो भैया मेरा एफ ऑफ ए प्लस आई बी इंटू एफ ऑफ सी प्लस आई डी है, ठीक है, इसको मैं ए प्लस आई बी लिख सकता हूं और इसको सी प्लस आई डी लिख सकता हूं, तो एफ ऑफ एफ के अंदर ये दोनों बंदी बने थे, ठीक है, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ के अंदर ये बंदी बना इंटू एफ के अंदर ये बंदी बना, ठीक है। अगर मैं यही चीज अगर प्रूफ कर देता हूं तो क्या है, होमोमॉर्फिक है, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ऐसा बकवास क्वेश्चन आता है हम लोग की यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो ये आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर से ये हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है, तो देखिए यहाँ पे आपको फिर से आइसोमॉर्फिक शो करना है, एक ग्रुप है हम लोग का जी जो कि मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है 1 और -1 पे, दूसरा एक ग्रुप जी डैश है जो कि मॉडुलो ऑपरेशन 2 पे, यहाँ पे हम लोग का एडिटिव ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद अपने को यहाँ पे बस शो करना है आइसोमॉर्फिक है, तो मैं आपको बताया था कि अगर फंक्शन नहीं दिया है तो आपको सिर्फ और सिर्फ होमोमॉर्फिज्म वहाँ पे प्रूफ कर देना, आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा एक जी ग्रुप है, ये मेरा जी डैश ग्रुप है, तो देखिए यहाँ पे डॉट ऑपरेशन पे हम लोग कंपोजिशन टेबल बनाए हैं, 1 × 1 करेंगे तो 1 आएगा, 1 − 1 करेंगे -1 आएगा, −1 × 1 करेंगे −1 आएगा, −1 × −1 करेंगे +1 आएगा। अब ऐसे ही जी डैश के लिए हम लोग मॉडुलो ऑपरेशन तो हम लोग जानते हैं, मॉडुलो ऑपरेशन 2 है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉडुलो ऑपरेशन है क्योंकि, तो इसके दो मतलब होते हैं, या तो ए प्लस बी या तो ए प्लस बी माइनस 2, ये कब होगा जब हम लोग का सेट के अंदर होगा, ये कब होगा जब हम लोग का सेट के बाहर चला जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 0 + 0 इज व्हाट 0, 0 + 1 = 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 2, सेट के बाहर है, इसका मतलब 2 − 2 इज व्हाट 0, ये बना लिया हम लोग, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे f ऑफ 1 f ऑफ -1 की यहाँ पे वैल्यू निकाले, कैसे निकाले हम लोग, देखिए बहुत ही सिंपल है, ये मेरा ग्रुप g है, ये मेरा ग्रुप g डैश है, यहाँ पे जो मेरे एलिमेंट है ये क्या है, 1 और -1 है, और यहाँ पे जो मेरे एलिमेंट है वो 0 और 1 है, तो ये इसको मैप कर रहा है, ये इसको मैप कर रहा है इस तरीके से, तो f ऑफ 1 की जो वैल्यू है वो 0 है, f ऑफ -1 की जो वैल्यू है वो 1 है।
होमोमॉर्फिज्म क्या होता है? होमोमॉर्फिज्म हम लोग का यही बोलता है कि एफ ऑफ ए ओ बी शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ ए और दूसरे ग्रुप का ऑपरेशन ओ डैश एफ ऑफ बी। अगर मैं ये चीज प्रूफ कर देता हूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो देखिए यहां पे पहले वाले ग्रुप में मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है, ए मेरा अगर वन है और बी मेरा अगर माइनस वन है तो वन ऑपरेशन माइनस वन, ठीक है। ये वाले ग्रुप का ऑपरेशन क्या है? डॉट है, तो मैं इसको डॉट कर देता हूं, इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए क्या है मेरा? वन है और इधर का ऑपरेशन मॉडुलो टू ऑपरेशन है और इधर बी क्या है हम लोग का? माइनस वन है। तो क्या इन दोनों का वैल्यू सेम आता है? तो वन और माइनस वन का वैल्यू देखते हैं, वन इंटू माइनस वन में हम लोग का माइनस वन आता है। तो एफ ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू क्या मेरा? इन दोनों को मैं सोल्व करने के बाद देखिए क्या आता है हम लोग का। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, जीरो मॉडुलो ऑपरेशन एफ ऑफ माइनस वन की जगह क्या है? वन है, ठीक है। अब जीरो मॉडुलस ऑपरेशन वन अगर मैं देखूं तो जीरो और वन का हम लोग का आता है वन। तो ये आ गया मेरा वन और एफ ऑफ माइनस वन का भी आप वैल्यू देख सकते हैं, f ऑफ माइनस वन का भी वैल्यू मेरा क्या है? वन है। तो वन इक्वल टू वन है, बिल्कुल सही बात। इसका मतलब क्या? ये होमोमॉर्फिज्म को बिल्कुल फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये हम लोग का आइसोमॉर्फिक ग्रुप है। समझ में आया? बहुत ही सिंपल है। फिर से एक बार, f ऑफ वन का वैल्यू दिया है ये, f ऑफ माइनस वन का वैल्यू दिया है ये, इसको आप भूल जाइए, ठीक है। एफ ऑफ वन का वैल्यू ये है, एफ ऑफ माइनस वन का वैल्यू ये है, ठीक है। ये चीज हम लोग को समझ में आ रहा है। कंपोजिशन टेबल कैसे बनाते हैं ये समझ में आया। एफ ऑफ ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए ऑपरेशन दूसरे ग्रुप का एफ ऑफ बी होगा, ठीक है। अब a मेरा 1 है, b मेरा माइनस वन है, f ऑफ 1 इंटू वन डॉट माइनस वन, वन डॉट माइनस वन माइनस वन आ रहा है, ठीक है। तो इज इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस मॉडुलो ऑपरेशन टू एफ ऑफ माइनस वन, इसका वैल्यू है जीरो, इसका वैल्यू है वन। तो जीरो मॉडुलस टू ऑपरेशन वन अगर देखें यहां पर से, तो जीरो मॉडुलस टू ऑपरेशन वन का वैल्यू आता है वन। तो ये आ गया मेरा वन और एफ ऑफ माइनस वन का अगर मैं वैल्यू देखूं तो वो था मेरा वन। तो वन इज इक्वल टू वन आ रहा है, बिल्कुल सही बात। इसका मतलब क्या? ये होमोमॉर्फिज्म को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है? आइसोमॉर्फिक है। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब सब ग्रुप देखते हैं हम लोग क्या है। तो भैया जैसा नाम है वैसा ही काम है, सब ग्रुप, ग्रुप का एक सबसेट, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सब ग्रुप बोलेंगे। तो देखिए अगर मेरा G स्टार एक ग्रुप है तो G के बाद क्योंकि H आता है इसलिए हम लोग उसको सब ग्रुप को H से डिनोट किए। H मेरा एक नॉन एम्प्टी सबसेट होगा G का, G का सबसेट को हम लोग क्या बोलेंगे? सब ग्रुप बोलेंगे। बहुत सिंपल सी बात, ठीक है। तो यहां पे ऑब्वियस सी बात है, अगर यहां पे बाइनरी ऑपरेशन स्टार है तो ये जो सब ग्रुप होगा ये भी हम लोग का सब ग्रुप कब होगा? जब यहां पे भी हम लोग का बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा? स्टार होगा, तभी होगा, ठीक है। तो इज अ सब ग्रुप इफ ये जो है ये हम लोग का ग्रुप भी होना चाहिए। अब ये क्योंकि सब ग्रुप है तो ऑब्वियसली ग्रुप की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ग्रुप लिखा है इसका मतलब क्या-क्या होना चाहिए? ग्रुप है उसका मतलब वो क्या है? क्लोजर है, एसोसिएटिव है, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट वहां पे आता है, इनवर्स वहां पे आता है, ठीक है, कम्यूटेटिव नहीं होता। कम्यूटेटिव होगा तो वो अबेलियन ग्रुप बन जाता है, ठीक है। तो ये ग्रुप के लिए ये चार कंडीशन होनी चाहिए, तो सब ग्रुप भी ये चार कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए यहां पे एक एग्जांपल है, ये मेरा अगर ग्रुप है, ग्रुप यहां पे लिखा है जी जो कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार है। क्या है हम लोग का ग्रुप? क्या दिया है हम लोग को? रियल नंबर है जीरो को छोड़ के, क्योंकि जीरो को हम लोग जानते हैं वहां पे हम लोग का इनवर्स नहीं मिलता जीरो के लिए। और यहां पे एच जो है वो सब ग्रुप है, ये रियल नंबर में से मैं एक सेट ले लिया जो कि रैशनल नंबर है, वहां पर से जीरो को माइनस कर दिया, ठीक है, क्यों? क्योंकि जीरो का इनवर्स नहीं मिलता। तो ये भी ऑब्वियसली हम लोग का क्या है? सब ग्रुप है। तो ये चीज तो हम लोग समझ में आ रहा है कि भैया सब ग्रुप क्या होगा। जो मेरा क्यू है ये क्या है? हम लोग का सबसेट है रियल नंबर का। तो हम लोग का एच भी जो है वो सबसेट है ग्रुप का, ठीक है, ये चीज तो हम लोग समझ गए। अब देखिए अगर मेरा ए और बी दो एलिमेंट है मेरे सब ग्रुप के, तो ऑब्वियसली हमेशा ये कंडीशन ट्रू होगी, सब ग्रुप को हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं, एच इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू जी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल लेस देन इक्वल टू होगा, ठीक है। जी जो है उसके दो सब ग्रुप होंगे, कौन? एक तो वो खुद अपना सब ग्रुप हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और एक होता है हम लोग का ट्रिवियल ग्रुप, इसका मतलब बकवास ग्रुप जहां पे एक आइडेंटिटी एलिमेंट बस होता है, ठीक है। पहले भी इसके बारे में आपको बताया था पहले वीडियो में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है सब ग्रुप के लिए, बहुत सारे इससे न्यूमेरिकल बनते हैं गेट एग्जाम के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे इसको भी कंसिडर कर लिया, और यूनिवर्सिटी एग्जाम पे भी सेम यही कंसेप्ट को अप्लाई करके एक क्वेश्चन है, तो इसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दो एलिमेंट को अगर उठाओगे सब ग्रुप के अंदर में से, ठीक है, किसी भी एक ग्रुप को सब ग्रुप हम लोग बोल सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये हमें हर सब ग्रुप ये फॉलो करेगा। देखिए यहां पे अगर मैं दो एलिमेंट को उठाता हूं, एक एलिमेंट का इनवर्स लेता हूं, उसको मल्टीप्लाई करता हूं दूसरे वाले एलिमेंट के साथ, तो ऑब्वियसली हमेशा वो सब ग्रुप के अंदर लाइक करने वाला है जो रिजल्ट आएगा, ठीक है। क्यों? तो भैया बी जो है वो सब ग्रुप का पार्ट है, ठीक है, बी सब ग्रुप में लाइक कर रहा है, तो बी इनवर्स भी सब ग्रुप में लाइक करेगा, तो उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा एक ऐसे एलिमेंट के साथ जो फिर से सब ग्रुप के अंदर है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आंसर भी हम लोग का सब ग्रुप के अंदर ही आने वाला है।
तो इसलिए सेटिस्फाई करता है कंडीशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। लैग्रांजेस थ्योरम क्या होता है? लैग्रांजेस थ्योरम कुछ नहीं, अभी इसका प्रूफ भी बताऊंगा जो कि फिर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। तो लैग्रांजेस थ्योरम होता क्या है, सिंपल डेफिनेशन अगर मैं बोलूं तो ऑर्डर ऑफ जो ग्रुप होता है, ग्रुप का ऑर्डर निकालना आता है, बताया था आपको, ग्रुप का ऑर्डर मतलब उसकी कार्डिनैलिटी, ठीक है, उसमें जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उस वो हम लोग गिन के बता दो तो वो हो जाता है हम लोग का ग्रुप। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप डिवाइड करूंगा अगर उसको ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप के साथ, तो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर मेरे को मिलने वाला है। अगर आपको पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलता, इसका मतलब क्या, वो हम लोग का सब ग्रुप नहीं है, ठीक है, वो जो ग्रुप है उसका ये सब ग्रुप नहीं है, हमेशा ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। लैग्रांजेस थ्योरम है ये, बहुत ही सिंपल सा इसका प्रूफ है, ये भी आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, शो दैट नेसेसरी कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच, एक सबसेट लिए हम लोग एच जो कि ग्रुप के अंदर लाए कर रहे हैं, उसको सब ग्रुप प्रूफ करना है। तो जो अभी आपको मैं बताया वही चीज यहाँ पे लिख दो, कुछ नहीं है भैया, यहाँ पे वही बकवास लिखा हूं, और जो चीज अभी आपको बताया वही चीज है। अब उल्टा आपको अगर प्रूफ करना हो, आपको सब ग्रुप दिया है उससे आपको ग्रुप प्रूफ करना हो, तो भैया ग्रुप प्रूफ करना तो हम लोग काफी कुछ हम लोग देख चुके हैं, ग्रुप अगर होना है उसको तो उसको क्लोजर प्रॉपर्टी मेंटेन करनी होगी, क्लोजर होना चाहिए, वही चीज को यहाँ पे बार बार लिखा गया है, ठीक है, आप इसको देख लेना, आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्लोजर होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए, इनवर्स आना चाहिए, वो ग्रुप होगा, ठीक है, बहुत ही बकवास है, एकदम थ्योरिटिकल है, आप इसको पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, वही चीज बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे मैं लिख दिया, ये चीज समझ जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कोसेट्स के ऊपर, अब बात करते हैं क्या होता है कोसेट्स। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, कोसेट क्या होता है, देखिए एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, सीधा समझ में आ जाएगा। देखिए एक ग्रुप है हम लोग का जी, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, एक हम लोग का उसका सब ग्रुप ले लिए एच, ठीक है। अब यहाँ पे एक एलिमेंट लिया ए बी एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी, एक एलिमेंट लिया मैं ग्रुप जी का, ठीक है, तो यहाँ पे एच इंटू ए सब ग्रुप इंटू ए किया मैं, सब ग्रुप इंटू ए, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप था इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया एच ए, तो मैं राइट साइड मल्टीप्लाई किया हूं, इसलिए इसको मैं राइट कोसेट बोलूंगा ऑफ एच एन जी, और यहाँ पे क्योंकि मैं लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई किया हूं तो इसको मैं बोलूंगा लेफ्ट कोसेट ऑफ एच एन जी। ये अब इसको मैं कैसे डिफाइन करूंगा, इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा होता है, एच इंटू ए, एच मेरा एलिमेंट है ये वाले एच का, ठीक है, ये जो सब ग्रुप है उसका एलिमेंट है, एच इंटू ए जितने भी एलिमेंट होंगे उसके लिए डिफाइन है, ठीक है, और ये मेरा वही है, ठीक है। अब ये चीज समझ में नहीं आया, बहुत बढ़िया, देखिए ये तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप था, बिल्कुल यहाँ पे एडिशन ग्रुप के लिए भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं भैया, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप था तो एच को मैं मल्टीप्लाई किया ए के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे हो सकता है प्लस हो तो यहाँ पे मैं प्लस करूंगा, तो राइट साइड देखिए प्लस किया हूं तो कुछ इस तरीके से आया, लेफ्ट साइड प्लस करूंगा तो ये इस तरीके से आ जाएगा, इसको मैं राइट कोसेट बोलूंगा, इसको मैं लेफ्ट कोसेट बोलूंगा, अभी भी समझ में नहीं आया, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं एग्जांपल के थ्रू, देखिए ये मेरा एक जी है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी वाला एक ग्रुप है जो कि मल्टीप्लिकेशन के ऊपर ग्रुप कहलाता है, ये हम लोग जानते हैं। एच मेरा क्या है, यहाँ पे सब ग्रुप है, ये दो एलिमेंट को उठा लिया मैं और बोल दिया ये क्या है, सब ग्रुप है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एच इंटू, अब कोई भी एक एलिमेंट को उठा लो यहाँ पर से, कोई भी एक जी के एलिमेंट को उठा लिया, मैं आई को उठा लिया, तो एच इंटू आई किया मैं, एच इंटू आई किया और आई इंटू एच किया, तो ये कैसे डिफाइन होगा, ये बिल्कुल इस तरीके से डिफाइन होगा, एच इंटू आई जो कि ये सारे एलिमेंट होंगे एच के। तो यहाँ पे एच क्या क्या हो सकता है, एक वन हो सकता है, एक क्या हो सकता है माइनस वन, तो अगर वन होगा तो ये आएगा, माइनस वन होगा तो ये आएगा, तो यही मेरा क्या है, राइट कोसेट है, ठीक है, मैं राइट साइड मल्टीप्लाई किया हूँ, राइट कोसेट है, और ये क्या है मेरा, लेफ्ट कोसेट है। समझ में आया, बहुत ही सिंपल सा आइडिया है, यही चीज आप बुक से पढ़ने जाओगे ना तो आपको बहुत मुश्किल होगी ये सब चीज पढ़ने में पहली बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग लैग्रांजेस थ्योरम पे बात करते हैं, लैग्रांजेस थ्योरम कैसे प्रूफ किया जाए, काफी इंपॉर्टेंट है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बहुत सिंपल सा आइडिया है, तो लैग्रांजेस थ्योरम एकदम सिंपल भाषा में आपको बताया, ऑर्डर ऑफ ग्रुप को अगर डिवाइड करेंगे ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप से तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आने वाला है, ये चीज तो हम लोग को पता है, ये चीज समझ गए। अब इसको प्रूफ कैसे किया जाए, तो प्रूफ करने से पहले एक बात आपको ये मैं याद दिला देता हूँ पिछले वाले वीडियो का, और हम लोग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट निकालना सीखे थे, ठीक है, तो ये आपको मैं पहले से ही बता देता हूँ, जब भी आप यहाँ पे कोसेट्स लेंगे, ये कोसेट के ऊपर है, देखिए जब भी यहाँ पे आप कोसेट लेंगे तो इसका आप जब भी ऑर्डर निकालेंगे और इसका जब भी आप ऑर्डर निकालेंगे, जितने भी एलिमेंट इसका अगर मैं ऑर्डर निकालूंगा ना तो ऑर्डर बिल्कुल सेम आएगा। कैसे, तो देखिए आई का पावर वन से चालू करते हैं, तो आई का पावर वन हम लोग को क्या चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट क्योंकि मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है तो वन आएगा, तो आई का पावर वन हम लोग का वन नहीं आता है, आई का पावर टू नहीं आता है वन, आई का पावर थ्री भी नहीं आता है वन, आई का पावर फोर आता है क्या, बिल्कुल आता है, आई का पावर फोर में हम लोग का वन आ जाएगा।
माइनस आई के केस में अगर मैं बोलूंगा तो बिल्कुल यहां पे भी हम लोग का आई का पावर 4 आएगा। ऑब्वियस सा बात है क्योंकि ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो इन लोगों का जो ऑर्डर होगा वो सेम आएगा, वो पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। तो यहां पे यही चीज आपको ध्यान रखना है, ये सबका अगर मैं ऑर्डर निकालूं इंडिविजुअली तो सेम आने वाला है। बस अगर इतना समझ गए तो लैग्रांजेस थ्योरम का प्रूफ हो गया। देखिए यहां पे ऐसा कुछ बकवास लिखना है, पहले यहां पे हम लोग के एम एलिमेंट है, ये वाले हम लोग के एन एलिमेंट है, ऑब्वियसली क्योंकि ये ग्रुप है तो एन एलिमेंट ज्यादा होगा एम एलिमेंट से। ठीक है, यहां पे मैं सबसे पहले लेफ्ट कोसेट ले लियो, ये लेफ्ट कोसेट है मेरा, ठीक है, और एन जी, और यहां पे एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं ए एच लिखना चाहूं तो आप ऐसा लिख सकते हो, ए एच का मतलब ए एच वन ए एच टू, ऐसे कुछ हमारे कोसेट्स होंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन कर रहे हैं अपने ग्रुप का कोसेट के टर्म्स में। ठीक है, अभी हम लोग क्या किए, देखिए ये जो मेरा ग्रुप होगा ये मैं तोड़ा पहले वाले कोसेट में, दूसरे वाले कोसेट, तीसरे वाले कोसेट, चौथे वाले कोसेट, और सबका अगर मैं यूनियन कर दूंगा तो मेरे को वापस ग्रुप मिल जाएगा। ये वही चीज लिखा है। अब मैं आपको बताया इसका अगर मैं ऑर्डर ले लूं, दोनों साइड में ऑर्डर ले लेता हूं, सारे एलिमेंट का ऑर्डर, अभी आपको बताया सबका ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। तो इसका ऑर्डर तो भैया एन होगा क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, उसकी कार्डिनैलिटी होती है, एन एलिमेंट है तो एन हो जाएगा। इसका ऑर्डर एम, इसका ऑर्डर एम, सबका ऑर्डर एम, के टाइम्स एम हो जाएगा, तो एम के, तो हमेशा क्या होगा, एन डिवाइडेड बाय एम इज व्हाट, के, जो कि पॉजिटिव इंटीजर आएगा। तो हो गया प्रूफ लैग्रांजेस थ्योरम, देखिए बहुत सिंपल है, दो तीन लाइन में ही खत्म हो जाएगा, समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने लास्ट कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं, ये भी बहुत ही बकवास सा कंसेप्ट है, बहुत इजी सा है। देखिए कंसेप्ट ऑफ रिंग, रिंग क्या होता है मैं आपको सीधा कंसेप्ट बताऊंगा, रिंग इंटीग्रल डोमेन ऑफ फील्ड का, आपको अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए रिंग क्या होता है, देखिए रिंग अगर मैं बोल रहा हूं किसी भी एक सेट को, अगर मेरे को रिंग बोलना है तो सबसे पहले हम लोग का सेट है वो अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अबेलियन अपने को पता है क्या होता है, क्लोजर, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, सब होना चाहिए, तो अबेलियन ग्रुप होगा। ठीक है, प्लस ऑपरेशन पे, डॉट ऑपरेशन पे वो सेमी ग्रुप होना चाहिए। सेमी ग्रुप भी अपने को पता है दो ही प्रॉपर्टी होल्ड करता है, क्लोजर और एसोसिएटिव। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए, वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा। तो ये तीन प्रॉपर्टीज को अगर वो फॉलो करता है तो मैं उसको क्या बोलूंगा, रिंग बोलूंगा। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से उसका सिंबल होता है, ये कुछ उसके एग्जांपल लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन और कुछ रिस्ट्रिक्शन डाल दूं मैं, यहां पे तीन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यहां पे छह प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्या क्या, हम लोग का अबेलियन ग्रुप होना चाहिए पहला तो। ठीक है, अब भैया देखिए ये मेरा इंटीग्रल डोमेन कुछ नहीं, ये मेरा रिंग ही है। ठीक है, रिंग है तो मतलब ये तीन प्रॉपर्टी तो होंगी ही, ये तीन प्रॉपर्टी तो है, इसके साथ साथ एक्स्ट्रा में ये तीन प्रॉपर्टी आ जाती है। क्या क्या, मेरा आर के पास यूनिटी एलिमेंट होना चाहिए, मेरा आर कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए, और तीसरा हम लोग का आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर। जीरो डिवाइजर का मतलब अभी आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टी आ जाती है, समझ में आया। ठीक है, और बाकी तो ये सब होगा ही, ये सब होना ही है हम लोग का। तो देखिए अबेलियन होगा, क्लोजर होगा, ये सब तो होगा ही। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव होगा और तीन एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी, तो टोटल छह प्रॉपर्टी यहां पे आ जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, फील्ड क्या होता है। तो भैया कुछ नहीं, इंटीग्रल डोमेन का जो छोटा भाई होता है वो फील्ड होता है। वो क्या है, देखिए यहाँ पे अबेलियन ग्रुप होगा ये, ठीक है, क्लोजर होगा ये, डिस्ट्रीब्यूटिव होगा ये। ठीक है, बिल्कुल वैसा जैसा हम लोग का रिंग था। ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो हम लोग के इंटीग्रल डोमेन है वो फील्ड हो, लेकिन ऐसा जरूरी है कि सारे के सारे फील्ड इंटीग्रल डोमेन हो, यही क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको शो करना है कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो आपको कुछ नहीं, यहाँ पे सबसे पहले फील्ड के लिए आपको तीन ही प्रॉपर्टी को यहाँ पे दिखाना होगा। ठीक है, और इंटीग्रल डोमेन के लिए यहाँ पे आपको छह प्रॉपर्टी दिखाना होगा, ये दो बार लिख दिया मैं। ठीक है, ये सारे छह प्रॉपर्टी दिखाना होगा। ठीक है, अब देखिए जीरो डिवाइजर का मतलब क्या है, हम लोग का यहां पे मैं जो लिखा था कि यहां पे आर के पास जीरो डिवाइजर नहीं होना चाहिए। जीरो डिवाइजर का मतलब एक बार जल्दी समझ लेते हैं क्योंकि यही चीज थोड़ा अजीब है समझने के लिए। तो देखिए अगर मेरा ए बी मेरा जीरो आता है, ठीक है, ए इंटू बी करने से जीरो आ जाता है, तो मेरे ए और बी दोनों एलिमेंट ऑफ आर है, तो या तो ए जीरो होगा या तो बी जीरो होगा। तो सबसे पहले हम लोग ए को जीरो कर देते हैं, मैं बी को पहले जीरो कर दिया, तो यहां पर अगर बी जीरो है तो बी का इनवर्स तो नहीं निकाल सकता, मतलब ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, हम लोग का बी जीरो है, ये चीज बताया। अब सेम आप उल्टा लिख दो, उल्टा लिख दिया, अगर ए के लिए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, बी के लिए बी इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग यहां पे बोल सकते हैं कि हम लोग का जो आर है वो फ्री ऑफ जीरो डिवाइजर है, तो जीरो डिवाइजर से फ्री होना चाहिए, ये आपको वहां पे शो करना होगा। बहुत ही थ्योरेटिकल है, बहुत ही बकवास है, और कन्वर्स नहीं है यहां पे ट्रू। यहां पे आपको कुछ नहीं, यहां पे एक एग्जांपल लिख दो, आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके से यहां पे मैं पूरी चीजें आपको समझा दिया हूं। अब आप इसको पढ़ने जाएंगे तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही बकवास बकवास चीजें हैं जो कि बुक वगैरह में दिया होता है, बहुत बिल्कुल समझ में नहीं आता, लेकिन शायद इस बार आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। तो होप आपको थोड़ा बहुत यहां पर से हेल्प मिल गई होगी। तो अगर अच्छा लगा हो मेरा एफर्ट तो जरूर लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो भी जरूर कर देना। इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूं, मिलता हूं अपने अगले वीडियो में कुछ और नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।